सो कैसे हो दोस्तों, आगे हो एक नए वीडियो के साथ। एंड आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग लेजेंडरी पुश कर सकते हो बहुत ही इजीली एंड बहुत ही जल्दी। लेजेंडरी पुश करना मतलब मल्टीप्लेयर पे ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं होता। अगर आप लोग अपने टीम के साथ खेलते हो तो आप लोगों को लेजेंडरी पुश करने के लिए बहुत ही ईजी पड़ जाएगा, मतलब आप लोग ईजिली लेजेंडरी पर पहुँच सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सोलो रैंक पुश करते हो मेरे तरह, तो भी आप लोग लेजेंडरी पर पहुंच सकते हो, लेकिन कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, अगर आप लोग इस टिप्स को फॉलो करोगे तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं आप लोग 2 हफ्तों और 3 हफ्ते के अंदर लेजेंडरी पहुंच जाएंगे बहुत ही ईजिली। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, प्ले विथ योर ओन टीम। अब भाई देखो, अगर आप लोगों के पास टीम है और अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड्स है जो COD मोबाइल खेल रहे हैं एंड वो भी रैंक पुश कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, जिससे कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग खेल सको। क्योंकि अगर आप लोग रैंडम्स के साथ खेलते हो जो सोलो रैंक मैच जो सोलो रैंक पुश करते हैं, तो उन लोगों का जो मेन दिक्कत होता है वो है रैंडम प्लेयर्स। अब वो लोग तो खेलते हैं आपके टीम पर, लेकिन पॉइंट्स देते हैं ओपोनेंट को। आप किल करोगे 20 किल, 3 बार मरोगे एंड आपके टीममेट्स मरेगा 20 बार एंड किल करेगा 3 बार, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाता है। एंड डोमिनेशन मैच में तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, बंदे मारने के लिए चला जाता है लेकिन सेक्शन कैप्चर नहीं करते, बी पार्ट, ए पार्ट, सी पार्ट, ये कैप्चर नहीं करते, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर आप बहुत अच्छे भी खेल लेते हो लेकिन अगर आपके टीम हार जाता है तो आपका जो पॉइंट होता है वो माइनस ही होगा। तो अगर आपके पास टीम है खुद का और अगर आपके फ्रेंड्स COD खेलते हैं, तो उन लोगों के साथ एक टीम बनाकर आप लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ खेलो एंड आप लोग बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही इजीली लेजेंडरी पुश कर सकते हो, पहुंच सकते हो। अगर आप लोग लेजेंडरी पर रैंक पुश कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। टिप नंबर 2, सिलेक्ट टीममेट्स रोल। अब आपके पास अगर टीम हो गया तो आपका जो सेकेंड काम होता है, मेन इंपॉर्टेंट काम, वो है टीममेट्स का रोल सिलेक्ट करना प्रॉपरली। आपके टीम पे एंट्री फ्रैगर होना चाहिए, आपके टीम पे मिडिल पर खेलने वाले कुछ एसोल्टर होना चाहिए एंड स्नाइपर भी होना चाहिए। तो आप लोगों को ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन आप लोगों के टीम पे एंट्री फ्रैगर का काम करेगा, कौन मिडिल पर उन लोगों को सपोर्ट देगा एंड कौन लॉन्ग रेंज फाइट लगा, ये भी आप लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए अपने गेम प्ले के हिसाब से। सो भाई देखो, मैं आप लोगों को जो यहाँ पर टिप्स दे रहा हूँ ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेजेंडरी पर पहुँच चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं इस सीज़न पे लेजेंडरी ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ एंड पिछले सीज़न पे भी मैं लेजेंडरी पर था। तो मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को ये टिप्स दे रहा हूँ। तो हम लोगों के टिप्स नंबर 3 पर जो पॉइंट आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है चूज़ योर लोड आउट प्रॉपरली। अब आप लोगों को अच्छे खेलने के लिए आप लोगों के पास प्रॉपर लोड आउट होना चाहिए। अब लोड आउट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर आपके एक रोल होगा टीम के हिसाब से, आप अगर एंट्री फ्रैगर होगे तो आपको SMG यूज़ करना चाहिए, आप अगर मिडिल पर खेलोगे तो आपको असॉल्टर यूज़ करना चाहिए, आप अगर लॉन्ग रेंज पर खेलोगे एंड मिड रेंज को सपोर्ट करोगे तो आप लोगों के पास स्नाइपर होना चाहिए। आप लोग चूज़ कर लो कि आपको कौन सा SMG ज़्यादा अच्छा लगता है, आप कौन सा SMG कौन सा गन को अच्छे तरीके से चला सकते हो, उस गन को आप लोग अटैच करो, अटैचमेंट यूज़ करो। अब कैसे एक गन को प्रॉपरली अटैच करके आप लोग बेहतरीन गन बना सकते हो, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी एक वीडियो शायद मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो। अगर नहीं है तो मैं हर एक गन के ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद हमारे टिप नंबर 4 पर जो है वो है मोड्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते, मतलब सोलो रैंक पुश करते हो, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टिप पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोड्स को लेकर। तो मेनली आप लोगों को 4 टाइप का मोड्स आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि टीम डेथ मैच है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, हार्ड पॉइंट एंड डोमिनेशन। अब अगर सर्च एंड डिस्ट्रॉय के बारे में बताऊँ तो ये बहुत अच्छे एक मोड्स है, आप लोगों को खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग एक बार मर गए तो आप लोग दोबारा स्पॉन नहीं हो पाओगे। तो आपका जो टीममेट्स रहेगा उनको अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अगर आप अच्छे खेलते हो, आप क्लचेस वगैरह करते हो, तो कितने बार आप क्लचेस करेंगे। तो आप एक बार क्लचेस कर लिए, 1v4 1v5 कर लिए, 2 बार कर लिए, लेकिन तीसरे बार, चौथे बार, फिफ्थ
बार तो आप लोग नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए आपको टीम होना बहुत अच्छा बहुत ज़रूरी हो जाता है सर्च एंड डिस्ट्रॉय में। तो सर्च एंड डिस्ट्रॉय अगर आप लोग सोलो रैंक पुश कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उतना सुइटेबल नहीं होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ टीम डेथ मैच। अब टीम डेथ मैच बहुत ही अच्छा है, आप जाओ किल करो पॉइंट उठाओ, लेकिन यहाँ पर भी एक ही दिक्कत है, आपका जो टीम मेट्स है वो कैसे खेलेगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप हो सकते हो कि आप बहुत अच्छे खेलते हो, आप 3 बार मरोगे 20 किल्स करोगे, लेकिन जैसे पहले ही बोला था, लेकिन आपके टीममेट्स होगा कि 20 बार मरेगा एंड 3 किल्स करेगा, तो आपके टीममेट जा रहे हैं दूसरे टीम को पॉइंट्स देकर आ जा रहा है, तो ऐसे अगर होगा तो आप डेफिनेटली हार जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा किल करेंगे तो भी आपका जो पॉइंट्स होगा वो माइनस ही होगा। तो ये भी मैं मानता हूँ कि आप लोगों के लिए सुइटेबल नहीं होगे, लेकिन कुछ टाइम पर अच्छा हो जाता है, कुछ टाइम पर आप लोग जीत जाते हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप लोग सोलो रैंक पुश कर रहे हो तो टीम डेथ मैच उतना ज़्यादा सुइटेबल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप टीम खेल रहे हो तो भाई आप लोगों के लिए सारे मोड्स सुइटेबल रहेगा, आपके प्लानिंग एंड आपके कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैच निकल पाते हो। तो इसके पॉइंट इसके बाद आता है हमारे दो सबसे अच्छा मोड जो कि हार्ड पॉइंट एंड डोमिनेशन। अब देखो भाई यहाँ पर मैं पहले हार्ड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। हार्ड पॉइंट पर अगर आपके टीममेट्स अच्छा नहीं हुए, अगर आपके टीममेट्स पे जो गेम सेंस है वो अगर अच्छा नहीं होगा ना, तो आपका भाई आपके साथ गैंगबैंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आप पॉइंट को कैप्चर करने जाओगे, आपके टीममेट्स मर गया, आप कैप्चर करने जाओगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, पूरे टीम आपके ऊपर चढ़ जाएगा। अगर आपको पीछे से कवर नहीं देगा कोई प्लेयर्स मतलब आपके टीममेट्स, तो पूरे ओपोनेंट्स का टीम आपके ऊपर चढ़ जाएगा, तो भाई आपके साथ गैंगमैन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मोड है, आप लोग खेल सकते हो हार्ड पॉइंट, लेकिन यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको सपोर्ट चाहिए आपके टीममेट्स के तरफ से। अगर आपके पास टीममेट्स अच्छा नहीं हुए तो भाई बहुत दिक्कत हो जाता है। इवन मास्टर्स 1 मास्टर्स 2 पर भी बहुत नूब टीममेट्स आते हैं जिसको गेम सेंस ही नहीं है, सिर्फ बंदे को मारना है, एंड बंदे को मारना है वो भी वो लोग खेलने आ जाते हैं डोमिनेशन सर्च एंड डिस्ट्रॉय, तो ऐसा कैसे चलेगा भाई, प्रॉपर गेम प्लानिंग के साथ खेलना पड़ता है ये। इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे अच्छा मोड जो कि है डोमिनेशन। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है अगर आप लोग सोलो रैंक पुश कर रहे हो, कि अगर आप लोग देख रहे हो कि आपकी टीम हार रहे हैं तो आप लोग किल के तरफ जा सकते हो, मतलब आप 2-3 पॉइंट्स के बाद ही कुछ टाइम बाद ही आप लोग समझ जाएंगे कि आपके टीम क्या आपके टीममेट्स कैसे, अगर आपके टीममेट्स अच्छा होगा तो आप टीम के लिए खेलो, आप लोग आप मैच को जीतने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप लोग देखोगे कि आपके टीममेट्स नूब है तो आप जाओ किल्स के लिए खेलो, ज़्यादा से ज़्यादा किल करो, जिसके वजह से आपका जो माइनस होगा वो एकदम कम से कम होगा। नहीं तो डोमिनेशन बहुत ज़्यादा एक अच्छा मोड्स है क्योंकि आपको सिर्फ कैप्चर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको टीममेट्स का गेम सेंस काम पर आता है। मैं खुद एक्सपीरियंस किया कि बहुत ज़्यादा ऐसे टीममेट्स आते हैं जो भाई बंदे मारने के लिए लगा रहता है, सिर्फ उनका जो मेन टारगेट होता है वो है किल्स, कितना ज़्यादा किल्स करेगा। लेकिन डोमिनेशन में तो ऐसा नहीं है, अगर आप लोग कैप्चर नहीं करेंगे, आप लोग डोमिनेट नहीं करेंगे तो जितने भी किल कर लो आप मैच नहीं जीत पाएंगे। तो गेम सेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, आपकी टीम के लिए। तो यही था आज के इस वीडियो में, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ। अगर कुछ हेल्पफुल हुआ तो भाई आप वीडियो का एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही COD मोबाइल रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँगा खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड आप अगर लेजेंडरी पुश कर रहे हो तो आप कमेंट करके बोलना कि कितने लोग लेजेंडरी पुश कर रहे हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास कोई टीम नहीं है, अगर आप लोग सोलो रैंक पुश कर रहे हो तो आप मेरे क्लैन पर ज्वाइन कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन पर अपना आप कमेंट सेक्शन पर मैसेज कर सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर से आईडी लेकर मैं अपने क्लैन पर आप लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा, फिर एक साथ रैंक पुश करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे खुद का भी टीम नहीं है, ठीक है ना, मैं सोलो ही खेलता हूँ। तो व्हाटएवर, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।